आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 27 जनवरी के शुक्रवार की। आप सोच सकते हैं कि परमपिता परमात्मा, हम उनको परमपिता भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, क्रिएटर भी कहते हैं, हम उनके बंदे हैं, तो उन्होंने हमें अपनी ही छवि में बनाया था। लेकिन क्या उनकी छवि अहंकार वाली थी? क्या उनकी छवि क्रोध वाली थी? क्या उनकी छवि ईर्ष्या, घृणा, नफरत, आलस्य, अलबेलापन की थी? नहीं। तो उन्होंने हमें किस फॉर्म में बनाया था और आज हमारी क्या अवस्था है? और आप जानते हैं कि आज हमारे अंदर ये सारे अवगुण जो हैं, नेगेटिव क्वालिटीज़ जो हैं, ये सारी क्वालिटीज़ नहीं कहना चाहिए, नेगेटिव ट्रेट्स जो हैं, ये सारे हमारे अंदर हमने अपने आप से सीखे हैं। हमने जब अच्छाइयों को छोड़ा तो हमारे अंदर बुराई आएंगी ऑटोमेटिकली। दिन के बाद रात आएगा तो रात के बाद में दिन आएगा। तो हमने जब अच्छाइयों को छोड़ा तो हमारे अंदर बुराइयाँ आईं, और बुराइयों को ही हमने सोच लिया कि भैया बुराइयाँ नहीं होंगी तो लोग आपका एडवांटेज लेंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे, तो आपको करना ही है, आपको बुरा रहना है ताकि लोग एडवांटेज ना लें। ऐसा नहीं है। परमात्मा ने एक विधि सिखाई जिसको कहते हैं अष्ट शक्ति, जिसके द्वारा आप परख सकते हो अपने अंदर की महीनता के द्वारा कि क्या सही है क्या गलत है, किसके साथ में करना है समझौता, किसके साथ में नहीं करना है, किसके साथ में मिलकर चलना है, किसके साथ में मिलकर नहीं चलना है। ये परमात्मा हमें सिखाते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रफ एंड टफ एंड रूड एंड होलीगन जैसा बनना पड़ेगा, शैतान बनना पड़ेगा शैतानों के साथ रहने के लिए। नो, एक अलग तरीका भी है। तो हम देखें, आज परमात्मा चाहते हैं कि हम उनके जैसा बन जाएं, उनके जैसी दिव्यता हमारे अंदर आ जाए ताकि हम वापस तो लौट पाएं। अगर हमारे अंदर प्योरिटी नहीं है तो हम वापस लौट नहीं सकते। इसका मतलब बहुत सिंपल, आज जितनी भी लोग आत्माएं जो शरीर छोड़ रही हैं, जिसको हम डेथ कहते हैं, आप ज़रा झांकना उनके जीवन में। अगर उनके अंदर क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, आलस्य, अलबेलापन, लोग हो, तो इसका मतलब वो अभी तक वापस लौटे नहीं है। उन्होंने फिर से जन्म लेना ही है, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही ऊपर जा सकती है, अपवित्र आत्मा नहीं। और अपवित्र का मतलब क्या हुआ? जिसका मन मैला हो काम क्रोध लोभ मोह से। तो परमात्मा कहते हैं समानता द्वारा, किसके समान? परमात्मा के समान द्वारा समीपता की सीट ले। फर्स्ट डिविजन में आने वाले विजयी रतन भवा। अब फर्स्ट डिविजन किसकी आंखों में है? भगवान की आंख में। परमात्मा पिता धरती पर आकर के हमें सिखाते हैं कि उनके जैसा बनना क्या है, बिकॉज इस दुनिया में कोई उनके जैसा है ही नहीं। सब तो भ्रष्टाचारी हैं, सबके अंदर अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत है ही है, सबको पीड़ाएं है ही हैं। अगर किसी के जीवन में पीड़ा है, चाहे धन की पीड़ा, चाहे तन की पीड़ा, इसका मतलब उसने पिछले जन्म में कुछ गलत किया है। इसका मतलब सिद्ध है, इससे सिद्ध होता है कि कोई भी आत्मा प्योर नहीं है। इसलिए किसको आना पड़ता है? स्वयं परमात्मा को आना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं खुद आ, खुदा को मतलब खुद आप आओ और हमें मुक्ति का ज्ञान दो, हमें अपना जैसा बनाओ। तो ये सारा ज्ञान कहाँ मिलता है? ये सारा ज्ञान आपको ब्रह्मा कुमारी में परमात्मा का शुद्ध पवित्र ज्ञान मिलता है, जो कि आप भी आकर के समझ सकते हैं और खुद ही चेक कर सकते हैं कितना शुद्ध है ये। फिर परमात्मा कहते हैं संकल्प, थॉट्स, बोल, कर्म जो हाथ हाथ पैर से करते हैं, और संस्कार, आदतें, और सेवा, सब में बाप जैसा समान बनना, अर्थात समीप आना। मतलब परमात्मा की जैसे हमारे अंदर क्वालिटीज अगर हैं तो हम उनके क्लोज हो गए। जैसे दोस्त दोस्त को कॉपी करता है और उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं देखते हैं कुछ महीने बाद में, कुछ दिनों बाद में दोनों दोस्तों के बिहेवियर्स एक जैसे रहते हैं। तो जब आप परमात्मा से मेडिटेट करते हो, उनके साथ में अपना योग लगाते हो, यूनियन करते हो, तो आपकी क्वालिटीज़ उनकी जैसी होनी शुरू हो जाती हैं, दिव्यता आती है, तो आप उनके क्लोज हो गए संस्कारों के हिसाब से। ओके, फिर परमात्मा कहते हैं अर्थात समीपाना, हर संकल्प में बाप के साथ का, सहयोग का, स्नेह का अनुभव करो। बाप के साथ का, सहयोग का उनका, और स्नेह का अनुभव करो। ये तीन चीजें, साथ, सहयोग और स्नेह, ये कब हो पाएगा? जब आपके अंदर उनके गुण होंगे। आपको कब कोई हेल्प कब करता है? जब उनको लगता है कि आपके अंदर सेम क्वालिटीज है, आप कुछ गड़बड़ नहीं करोगे, आप कुछ खराब नहीं करोगे, राइट? तो परमात्मा भी चाहते हैं कि आपकी क्वालिटीज उनके साथ में मिले, तो तब वो आपको हेल्प करें। साथ, सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करो कि भगवान जैसे आपको गाइड कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो फर्स्ट डिविजन में आ जाएंगे। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाप से हो। निरंतर याद, परमात्मा की मेडिटेशन में आपका हमेशा दिल लगा रहे, हर सेकंड आप उनको याद करते रहो जितना हो सके। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह, जिससे स्नेह होता है उसकी बात हम मानते हैं, उसके नक्शे कदम पर हम चलते हैं। तो परमात्मा से अगर आपका स्नेह नहीं है तो इसका मतलब आपका अंदर वाले शैतान से स्नेह है। आप शैतानी आदतें, शैतानी इस तरीके से सोचते हो, बोलते हो और कर्म करते हो, और आपका संस्कार शैतानी है। तो जिसका स्नेह परमात्मा से होता है उसके अंदर शैतानी कम कम हो जाता है।
निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाप से हो तो विजयी माला के विजयी रतन बन जाएंगे। किसमें विजय? अपने अंदर की कमी कमजोरियों को हटाने की, उनको उनके ऊपर जीत पाने की विजय। अभी भी चांस है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। टू लेट मतलब क्या हो गया? समय खत्म हो गया, परमात्मा आए धरती पर, पढ़ाया और अब जाने का टाइम आ गया। कैसे पता चलेगा? चारों तरफ विश्व युद्ध होने शुरू हो जाएंगे, ये निशानी होगी आपकी कि इसका मतलब परमात्मा आए, पढ़ाए लिखाए और अब वो अब वेट कर रहे हैं ऊपर कि कब मेरे बच्चे मेरे पास प्योर होके आएंगे। अपनी अपनी ताकत से, अपनी अपनी क्षमता से, पढ़ाने वाला एक है, समझने वाले अनेक हैं और अनेक बुद्धियां अनेक मन हैं, लेकिन एक ने ही सिखाया सब कुछ। क्या सिखाया है ये आप आकर के ब्रह्म कुमारी इसमें चेक कर सकते हैं। इसके साथ ओम शांति।